निहंग बाणी च करते किहड़े काम शुरू। मोहाली पुलिस नूं मिली वड्डी कामयाबी। निहंग बाणी च कर रहे सी इह काम। पर आखिरकार महिला आईपीएस की टीम दी पै गई नजर ते हो गए गिरफ्तार। निहंग बाणी च गिरफ्तार किए गए इन्हां नौजवानों कोलों बरामद किए गए ने हथियार। दरअसल इन्होंने हथियारों की सप्लाई का धंधा शुरू करता सी। यह लोगों को एडवांस फड़दे सी ते उन्हां नूं हथियार लिया के दे दिंदे सी। निहंग बाणी करके इन्हां दी तलाशी भी नहीं सी होंदी। पर आखिरकार पुलिस नूं भड़क लग गई ते हो गई इन्हां दी गिरफ्तारी। आओ तुहानूं दिखाने की है पूरा मामला। आईपीएस ज्योति यादव की जुबानी। तनिक पहल पंजाबी टीवी दे लई मोहाली तों रमेश कुमार दी रिपोर्ट। सीआई स्टाफ नूं एक इतला मिली सी कि कोई दो पर्सन है जो इलीगल वेपन की स्मगलिंग करदे हो सकदे। तां जदों सानूं इतला मिली ते साडी टीम ने टोल प्लाजा भागो माजरा नेड़े एक नाका लाया ते फिर दो पर्सन जिहड़े कि निहंग सीगे उहनां दे कोलों 315 बोर दी पिस्टल उहनां दे कोलों रिकवर हुई। फिर उन्होंने जो पूछगिछ की गई तो एक जो परसन जुवेनाइल होने कारण फिर असी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश करा के उन्होंने फिर असी करेक्टिव होम भेजा। तो दूजा जो परसन सीगा नाम आकाशदीप हैगा जो पिछो तलवंडी जल्ले खान का रहने वाला है फिरोजपुर जिले का। तो दोनों परसन निहंग सीगे ते दोनों ही परसन यूपी दे मेरठ तो इलीगल वेपन नूं लेके आ रहे सीगे। जो इनिशियल पूछगिछ दे हिसाब नाल जो गल सामने आई है कि इन्हां नूं किसी ने 66,000 रुपए दिते सीगे ते इह तीन पिस्टल लेके आए है। ते हुण जो आगे दी तफतीश है वह परसन जिन्हें इन्हां नूं पैसे दिते सीगे जिन्हें तीन वेपन मंगाए ओहदा एक पता करना कि वह बंदे ने क्यों इन्हां तों मंगाए सीगे। ते दूजी जिहड़ी गल हैगी इन्हां दे दसन मुताबिक अपने परसनल इस्तेमाल दे लई वेपन लैके आए ते आगे कोई और क्राइम दा एसच इन्हां दा कोई मोटिव नहीं सीगा। बट क्योंकि हजे ओह दूजा तीजा परसन जिन्हें वेपन मंगाए सीगे ओहदा हजे पता करना बाकी हैगा ते होर अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी दे विच इन्हां दी सहूलियत हो रही पाई जांदी है ते फिर असीं प्रेस नाल असीं शेयर करांगे। रहने वाले कित्थों दे आंदे? एक फिरोजपुर दा जी आकाशदीप ते दूजा परसन जुवेनाइल हैगा। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कुछ सामने आया कि जेड़ा थर्ड परसन ओह कित्थों दा? नहीं नहीं हजे नहीं आया हैगा। बस इन्हां नूं पैसे मिले है ते इन्हां ने जो आगे पेमेंट कीती हैगी ओ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करके पता लग सकदा हैगा। नहीं हजे तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हैगा। एक ता 17 साल कुछ महीने दे एक दी एज हैगी ते दूजा परसन 21 साल दा हैगा। ते दोनों ही निहंग सिख है ते एक डेरा अमृतसर दे नेड़े एक डेरा हैगा उत्थे घोड़ियां दी साम करन वास्ते उत्थे अपना ओ देखरेख कर रहे सीगे ते कोई क्रिमिनल हिस्ट्री ऐसे हजे तक कोई सामने नहीं। पेमेंट मोड की सी इहनां दा जिहड़ा कैश दित्ता गया उस लैके कैश लेके गए सीगे बट जिहड़ा कि उत्थे खरीद इहनां ने कीते मेरठ तों उत्थे इहनां ने कुछ पेमेंट यूपीआई राही भी कीती है। तो जिस तों बाय कीता हैगा और जिन्हें खरीद कराई है वो दोनों पर्सन मिल जाएंगे। तो पूरा का पूरा जो ये इलीगल वेपन की स्मगलिंग वाला एक नेटवर्क हैगा वो पता लग जाएगा।